इंडिया जिसे अपना क्राउन प्रिंस कहती थी, जो था गांधी परिवार का गुरुर, गांधी परिवार का एक ऐसा युवा जिसने देश को बदलने का ठान लिया था। करना बहुत कुछ था, किया भी, लेकिन अंत अच्छा नहीं हुआ। Hey everyone, I'm Ananya Srivastav and welcome to our YouTube channel V for Innovative. मैं बात कर रही हूँ गांधी परिवार में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की। लेकिन अचानक से इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिससे ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान के होश उड़ गए थे। कुछ ने तो अपनी आंखों और कानों पर भरोसा ही नहीं किया, और कई लोगों के मन में तो ये सवाल भी था कि ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये पूरी कहानी जो संजय गांधी की मौत से जुड़ी हुई है कि क्या था उनकी इस रहस्यमय मौत का कारण। हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 में हुआ था, और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे भी, और नेहरू गांधी फैमिली के मेंबर भी थे। जब संजय पॉलिटिक्स में आए थे तभी अपनी माँ इंदिरा गांधी के राइट हैंड बन गए थे, लेकिन इनकी अचानक डेथ हो जाने के कारण उनके बड़े भाई राजीव गांधी पॉलिटिकल एयर थे, इसलिए इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सीट पर भी बैठे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटा वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन साल 1980 में 23 जून ये तारीख संजय गांधी को उनके अंत तक घसीट कर ले गई। आज से कुछ 38 साल पहले की बात होगी ये। तब तक संजय गांधी अमेठी से सांसद बन गए थे और उसके एक महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। सुबह का वक्त था और संजय अपनी हरी रंग की गाड़ी मेटाडोर को चलाकर जल्दबाजी में पहुंचे सफदरजंग एयरपोर्ट, जो कि 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, और वहां उनका इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना। सुभाष सक्सेना वहां संजय का इंतजार एकदम नए लाल रंग के एयरक्राफ्ट के साथ कर रहे थे, और उस एयरक्राफ्ट का नाम था पिट्स S2A। हल्का इंजन था उस एयरक्राफ्ट का और कलाबाजी खाने के उपयोग विंग्स थे। संजय अपनी पॉलिटिकल करियर में देखा जाए तो बहुत जोखिम उठाते थे, लेकिन कुछ चीज़ों में बात उनकी जिंदगी की भी थी, और वहां भी वो लापरवाही दिखाने में पीछे नहीं हटे। उनका रवैया कुछ ऐसा था कि वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया करते थे और नियमों को तोड़ते थे, और इसी के चलते वो जूतों की जगह कोल्हापुरी चप्पलों में प्लेन उड़ाने कई बार जाते थे, और कई बार भी यही होता था कि उनके बड़े भाई राजीव गांधी ने संजय को इस बात के लिए कई बार टोका भी था, लेकिन संजय इस चीज को अनसुना कर चले जाते थे। 23 जून 1980 को उन्होंने सुबह कुछ 7:15 बजे पर उड़ान भरी, और कुछ ही मिनट में वो अशोका होटल पहुंचे और उसके ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रहे थे अपने एयरक्राफ्ट में। तब तक उनका एयरक्राफ्ट अच्छे से काम कर रहा था। उसके ठीक 10 मिनट के बाद ही संजय एयरक्राफ्ट को खतरनाक निचाई पर लाकर गोते खिलाने लगे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद ही संजय का एयरक्राफ्ट पर से कंट्रोल खत्म हो गया और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी के बाद डिप्लोमेटिक एनक्लेव, जो संजय के घर से थोड़ी दूरी पर था, वहां उनका एयरक्राफ्ट पिट्स S2A क्रैश हो गया था पेड़ में जाकर। 15 मिनट के बाद एक एम्बुलेंस और एयरक्राफ्ट पहुंचे, लेकिन संजय और सुभाष दोनों को ही ब्रेन हैमरेज के कारण ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। पेड़ में फंसे एयरक्राफ्ट को निकालने के लिए पहले पेड़ की डालियां काटी गई और प्लेन के मलबे के बीच से संजय और सुभाष की लाशों को निकाला गया था। जब थोड़ी देर बाद वहां इंदिरा गांधी पहुंची अपने सचिव आर.के. धवन के साथ, और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उनके राइट हैंड और छोटे बेटे जो उनको सबसे ज्यादा प्यारे थे उसी की लाश उनके सामने रखी थी, और उनके बड़े बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इटली में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। इंदिरा गांधी संजय को इतना ज्यादा प्यार करती थी कि संजय एक बार उनकी पहली जिद थी कि जनता कार बनाने की, जिसका नाम वो मारुति रखना चाहते थे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उनकी माँ इंदिरा ने बैंकों की तिंजोरियां खुलवा दी थी, और उन्होंने सरकार की हर मुमकिन मदद भी की थी, लेकिन जब कार नहीं बनी तो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप की आड़ में पत्रकारों को धमकाया भी, और तो और टर्कमेन गेट पर मलिन बस्ती जो थी उसे हटाने के लिए गोलियां चलाई गई, और तो और बंदी के प्रोग्राम के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती भी करी गई थी। जो माँ अपने बेटे की एक जिद को पूरा करने के लिए इतने हद तक चली गई थी, उसी माँ के आगे उनका बेटा लाश बनकर पड़ा हुआ था। इस घटना के बाद इंदिरा के साथ
पूरा देश हैरान था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे पूरा हुआ संजय गांधी का सफर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।